मैं गुफरान खान आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ स्कोडा रैपिड। स्कोडा रैपिड में जो प्रॉब्लम है वो गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम है। इसमें जो पहला दूसरा गियर है वो दूसरे गियर से आगे नहीं बढ़ रही है, मतलब दूसरा गियर या फिर पहला गियर, गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम है, ना ही भाग रही है ना ही चल रही है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाड़ी और गियर बॉक्स मैंने उतरवा लिया है, गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है लिफ्ट पर और मैं आपको लेकर चलता हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों इसी के साथ आपको मैं लेकर चलता हूँ गियरबॉक्स की तरफ और गाड़ी की तरफ। आइए ये गाड़ी है स्कोडा रैपिड है, रैपिड स्कोडा है और इसका जो गियरबॉक्स है वो मैंने खोल लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गियरबॉक्स रख लिया है टेबल पर और अब इसकी जो है क्लच वगैरह बाहर निकालेंगे तो कुछ कृपया प्रमोद जी दिखाएँ, थोड़ा पास से दिखाएँ। इधर सीट लेंगे वीडियो ज़्यादा लंबी ना होनी चाहिए, फिर मुझे कंप्लेंट आती है वीडियो अगर ज़्यादा लंबी रहती है तो। ये लॉक है फिर मुझे थोड़ा पास से दिखाएं। ठीक है ठीक है, सही दिख रहा है। ये लॉक है इसको निकालेंगे, एक बार पटवारी जी बोल लिखा ना पेचकस पड़ा है वो पड़ा उसको लेकर वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि ये आ चुका है, ये है इसके अंदर भी जो है प्रेशर होती है, क्लच भी है इसमें। ठीक है काफ़ी लूज हो चुकी है, अब इसका ये वाला लॉक निकालेंगे। मेरा ज़्यादा हो गया। ये लॉक निकाल दिया है, उसमें जो यहाँ लगा हुआ था ना वो निकाल दिया है, अब इसे हम कूलर के जरिए बाहर निकालेंगे। ठीक है ना, और अगर कूलर नहीं है तो मैनुअल भी निकाल सकते हैं और चाहे कूलर से भी निकाल सकते हैं। अब मैं देखता हूँ अगर मेरा कूलर सक्सेस होता है तो मैं निकाल के इसी से निकाल देता हूँ। ये जैसे ये इसका कूलर है, ठीक है, तो एक बार स्टॉप कर दीजिए। ये लॉक निकाल दिया है, उसमें जो यहाँ लगा हुआ था ना वो निकाल दिया है, अब इसे हम कूलर के जरिए बाहर निकालेंगे। ठीक है ना, और अगर कूलर नहीं है तो मैनुअल भी निकाल सकते हैं और चाहे कूलर से भी निकाल सकते हैं। मैं देखता हूँ अगर मेरा कूलर सक्सेस होता है तो मैं निकाल के इसी से निकाल देता हूँ। ये जैसे ये इसका कूलर है, ठीक है, तो एक बार स्टॉप कर दीजिए। ये मैंने मैनुअली निकाला है, इसलिए मैंने अभी वीडियो में नहीं दिखाया मैनुअली निकाल करके, लेकिन मैंने मैनुअली निकाला है जो भी है। फ्रेंड्स ये इसका जो है ड्विल क्लच सेट है, ड्विल सेट है और ये मैं यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है,
इसके फिंगर भी बैठ चुके हैं, देखो कोई कोई से फिंगर बैठा हुआ है। यूज पड़ी पूरी। और ये बैरिंग है, ये बैरिंग इसका जो है ये भी टूट गया है, ठीक है। और ये है ये भी टूट गया। टूट चुका है पूरा फॉक। दो बैरिंग होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल इट इज फिनिश्ड। इफ यूजफुल टू यू गाइस प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर अस लीव अ मैसेज इन द कमेंट्स फील्ड। ऑलवेज सपोर्ट अस बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन।